हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस ट्यूटोरियल्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर फर्स्ट चैप्टर फ्रॉम इकोनॉमिक्स दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स सो स्टूडेंट्स नाइन्थ एंड टेंथ स्टैंडर्ड में हमने इकोनॉमिक्स का सिर्फ ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिया था वी जस्ट सॉ के इकोनॉमिक्स ह्यूमन्स के साथ डील करता है ह्यूमन बिहेवियर के साथ डील करता है फ्रॉम इलेवेंथ स्टैंडर्ड हम इकोनॉमिक्स में डिफरेंट कंसेप्ट के बारे में इकोनॉमिक्स की डिफरेंट थियोरीज के बारे में इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स जो होती है उनके बारे में कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं हम इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी करने वाले हैं हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज़ बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द डिफरेंट डेफिनेशंस अलग अलग इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट डेफिनेशंस दिए हुए हैं so सो हम उन डेफिनेशंस के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे देन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स दो टाइप के इकोनॉमिक्स होते हैं वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर देखते हैं कि इस चैप्टर में और क्या क्या चीजें दी हुई है इंट्रोडक्शन टूडेज वर्ल्ड इज मार्क्ड बाय साइंटिफिक इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज दिस रिमार्केबल साइंटिफिक प्रोग्रेस अनेबल्स टू पोप इन टू क्वेश्चन वॉट इज साइंस साइंस इज द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज नाउ क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि आज के टाइम पे एवरी थिंग इज़ कनेक्टेड टू द इन्वेंशनज एंड डिस्कवरीज करेक्ट कोई भी चीज़ आप ले लो इट इज़ कनेक्टेड विद द इन्वेंशन आइदर इन्वेंशन और डिस्कवरीज़ सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली साइंस क्या है साइंस कितने टाइप का है सो लेट स्टार्ट क्या दिया है यहाँ पे कि साइंस इज़ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज क्या बताया है हमें साइंस इज़ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ आप कोई भी चीज़ अगर सिस्टमेटिकली पढ़ते हो अगर आप कोई भी चीज़ गिवन प्रोसेस में स्टडी करते हो या कोई भी चीज़ का प्रोसीजर फॉलो करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं साइंस कहते हैं देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि साइंस इज़ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट इज़ कोई भी चीज़ अगर हम सिस्टमैटिकली पढ़ते हैं तो इट इज़ कॉल्ड ए साइंस एंड सेकेंडली साइंस दो टाइप के होते हैं कितने टाइप के होते हैं देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ साइंस पहला कौन सा दिया हुआ है हमें द नैचुरल साइंस और दूसरा कौन सा दिया है सोशल साइंस नेचुरल साइंस इज़ वन हुज लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल एंड देयर वैलिडिटी कैन बी टेस्टेड इन अ लेबोरेटरी अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन नेचुरल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एग्जैक्ट साइंस बिकॉज ऑफ देयर एम्पेरिकल अप्रोच टू द स्टडी एग्जाम्पल मैथामेटिक्स फिज़िक्स केमिस्ट्री क्या बताया हुआ है हमें दैट नैचुरल साइंस क्या होता है नेचुरल साइंस इज दैट साइंस जिसके प्रिंसिपल्स जो है या जिसके लॉज जो है वो पूरे यूनिवर्स पर एप्लीकेबल होते हैं पूरे वर्ल्ड पर एप्लीकेबल होते हैं एंड सेकेंडली जिसकी वैलिडिटी हम टेस्ट कर सकते हैं जैसे हम लोगों ने नाइन्टैंडर्ड में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ा था ना लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हर जगह पर सेम एप्लीकेबल है और हम लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं वेरीफाई करने का मतलब हम उसको टेस्ट भी कर सकते हैं नेक्स्टली हमें क्या दिया हुआ है नेचुरल साइंस को हम एग्जैक्ट साइंस भी बोलते हैं क्या बताया हमें दैट नैचुरल साइंस इज कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस एंड इसका रीजन क्या है इसका रीजन है दैट हम लोग इस साइंस के या इस uh, टॉपिक के रिलेटेड जो भी लॉज है उनको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व कर सकते हैं उनको हम वैलिडिटी उनकी हम चेक कर सकते हैं एंड दैट इज़ द रीज़न इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एग्जैक्ट साइंस जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, इनके जो लॉ लॉज बने हुए हैं वो हर जगह पर सेम एप्लीकेबल होंगे सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट और बिहेवियरल साइंस because it is related to the study of some or the other aspect of human behavior example psychology is related to mental aspect of human behavior sociology is related to the study of social aspect of man as the member of society human behavior can neither be empirically tested nor can be studied in a laboratory एंड द लॉ ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल बट दे आर दी स्टेट बट दे आर ओनली स्टेटमेंट्स ऑफ जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज क्या बताया हुआ है हमें यहाँ पे कि सोशल साइंस को हम एब्स्ट्रैक्ट साइंस भी कहते हैं कौन सा साइंस कहते हैं हम सोशल साइंस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एब्स्ट्रैक्ट साइंस वॉट इज द रीज़न बिहंड इट द रीज़न इज के सोशल साइंस के जितने भी लॉज होते हैं या हम कैसे हाँ सोशल साइंस के जितने भी लॉज होते हैं वो सब किस पर बेस्ड होते हैं ह्यूमन बिहेवियर पर जो भी स्टडी होती है सोशल साइंस में वो किस पर होती है किस पर बेस्ड होती है इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन बिहेवियर जो है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है सेकेंडली हमें क्या बताया है कि ह्यूमन बिहेवियर डिफरेंट एस्पेक्ट से भी हम कंसिडर करते हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम साइकोलॉजी की बात करें साइकोलॉजी इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ सोशल साइंस तो साइकोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं हम मेंटल बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं या फिर हम कह सकते हैं कि हम पर्सन के माइंड के रिलेटेड चीज़ों के बारे में स्टडी करते हैं अगर हम सोशोलॉजी की बात करें तो यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं दैट हाउ डज़ अ मैन बिहेव्स इन अ सोसाइटी समझ आए यहाँ पे क्या बताया है दैट सोशल साइंस इज़ द एब्स्ट्रैक्ट साइंस मतलब इसके जो भी लॉज बने हुए होते हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं होते नेक्स्टली इसके जो लॉज हैं हम उसको किसी लैब के अंदर टेस्ट भी नहीं कर सकते आई थिंक अगर फिजिक्स का कोई लॉ है केमिस्ट्री का कोई लॉ है तो हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं लेकिन साइकोलॉजी शोशोलॉजी इन सब चीज़ों को हम वेरीफाई नहीं कर सकते क्योंकि हम इसमें किसके बारे में स्टडी कर रहे हैं वी आर स्टडिंग अबाउट ह्यूमन्स अब हर एक पर्सन की साइकोलॉजी सेम होती है क्या ऑब्वियसली नहीं सबका मेंटल लेवल मेंटल स्टेटस जो है वो डिफरेंट होता है एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम इन सब चीज़ों को वेरीफाई नहीं कर सकते इससे so यहाँ पे हमें स्टेटमेंट दिया हुआ है ह्यूमन बिहेवियर कैन नाइदर बी एम्पेरिकली टेस्टेड नॉर कैन बी स्टडीड इन द लेबोरेटरी ह्यूमन बिहेवियर को हम टेस्ट नहीं कर सकते ह्यूमन बिहेवियर के रिलेटेड जो भी लॉज हैं हम उन लॉज को वेरीफाई भी नहीं कर सकते हैंस दी लॉज ऑफ सोशल साइंस आर नॉट यूनिवर्सल बट दे आर ओनली स्टेटमेंट टू जनरल ह्यूमन टेंडेंसीज क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि जितने भी लॉज ह्यूमन बींग के रिलेटेड बनाए हुए हैं ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है क्या बताया द लॉज मेड इन सोशल साइंस ये सब यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं है और ना ही हम इनको वेरीफाई कर सकते हैं ये सिर्फ एक स्टेटमेंट्स है जो जनरल बिहेवियर के ऊपर हमें बताए हैं जनरल बिहेवियर मतलब सपोज़ दस लोगों का टेस्ट किया हंड्रेड लोगों का टेस्ट किया उसमें से सिक्सटी या सेवेंटी लोगों ने सेम बिहेव किया तो उसके बेसिस पर ये लॉज बनाए हैं नैचुरल साइंस में क्या होता है हम कितनी भी बार टेस्ट करें द रिजल्ट इज़ गोइंग टू बी सेम लेकिन सोशल साइंस में ऐसा नहीं होगा आप जितनी बार टेस्ट करोगे चांसेस है कि रिजल्ट अलग अलग आपको मिलेगा सो सोशल साइंस इज दी एब्स्ट्रैक्ट साइंस एंड नेचुरल साइंस इज़ दी ट्रू साइंस क्या पढ़ा अब तक हमने वेरी फर्स्ट थिंग साइंस इज़ द सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज साइंस दो टाइप के हैं नेचुरल साइंस एंड सोशल साइंस नेचुरल साइंस नेचुरल साइंस के जितने भी लॉज है वो सब यूनिवर्सली एप्लीकेबल है एंड नेचुरल साइंस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रू साइंस सोशल साइंस इज कॉल्ड एज एब्सट्रैक्ट साइंस एंड सोशल साइंस के जो लॉज है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल नहीं हैं नेक्स्ट आता है अब मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स नाउ टेंथ स्टैंडर्ड तक हम लोगों हम लोगों ने इकोनॉमिक्स किसके अंडर पढ़ा है सोशल साइंस के अंडर मतलब इन शॉर्ट हम कह सकते हैं दैट जैसे शोशोलॉजी साइकोलॉजी ये सोशल साइंस का पार्ट है इन द सिमिलर मैनर इकोनॉमिक्स भी किसका पार्ट है सोशल साइंस का पार्ट है मतलब जैसे साइकोलॉजी ह्यूमन बिहेवियर के बारे में स्टडी करती है इन द सिमिलर मैनर इकोनॉमिक्स भी किसके बारे में स्टडी करता है इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज़ अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर लेट्स ही क्या दिया है हमें इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस दी ओरिजिन ऑफ द टर्म इकोनॉमिक्स लाइज इन द ग्रीक वर्ड ओकोनोमिया विच मीन्स मैनेजमेंट ऑफ दी हाउस होल्ड क्या बताया हमें यहाँ पे दैट इकोनॉमिक्स क्या है इकनॉमिक्स इज द सोशल साइंस इकनॉमिक्स क्या है इट इज़ दोशल साइंस इकोनॉमिक वर्ड का ओरिजिन कहाँ से हुआ था फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड कॉल्डेज ओकोनोमिया जिसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड जिसका मतलब क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स इज रिफर्ड एज द क्वीन क्वीन ऑफ सोशल साइंस बाय पोल सेम्यूलसन इकोनॉमिक्स डील्स विद द इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इट डील्स विद हाउ ह्यूमन बीन सेटिस्फाई अनलिमिटेड वॉन्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि इकोनॉमिक्स भी किसके बारे में स्टडी करता है इकोनॉमिक्स ऑल्सो स्टडीज़ अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर इकोनॉमिक्स किसके बारे में पढ़ता है स्टडीज अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर यहाँ पर हम क्या पढ़ते हैं कि कैसे ह्यूमन बीन लिमिटेड रिसोर्सेस में अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है है ना अब तक हम लोगों ने नाइन्थ टेंथ स्टैंडर्ड तक यही पढ़ा है दैट नेचर में रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं और ह्यूमन की वॉन्ट्स जो होती है हमारी जो वॉन्ट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है सो so यहाँ पे पॉल एम्युलसन के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स इज द स्टडी के कैसे ह्यूमन बीन कम रिसोर्सेस में लिमिटेड रिसोर्सेस में अपनी मैक्सिमम वॉन्ट्स को सेटिस्फाई करता है ठीक है वॉट इज इकोनॉमिक्स अकॉर्डिंग टू पॉल सेम्युलसन इट इज़ द स्टडी

लॉज बनाते हैं जो डिटेल स्टडी करते हैं जो थ्योरीज बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं इकोनॉमिस्ट। नेक्स्ट किसके बारे में हमें व्यू दिया है कौतल्या आपने इनके बारे में सुना होगा एज चाणक्य ठीक है चाणक्य वी ऑल नो ही वॉज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट ग्रेट पॉलिटिशियन सो लेट सी कि उन्होंने इकोनॉमिक्स के बारे में हमें क्या कहा है कौतल्याज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र कौतल्या ने क्या वर्ड दिया है कौतल्या दैट इज चाणक्य चाणक्य ने क्या वर्ड दिया है अर्थशास्त्र अर्थ मीन्स वेल्थ एंड शास्त्र मीन्स साइंस अर्थशास्त्र इम्प्लाइज द साइंस ऑफ एक्वायरिंग एंड मैनेजिंग वेल्थ नाउ कौतल्या ने अपने डेफिनेशन में क्या बोला है इकोनॉमिक्स को क्या बोला है अर्थशास्त्र अर्थ मतलब क्या होता है वेल्थ वेल्थ मतलब मनी ठीक है एंड शास्त्र मतलब क्या दिया है यहाँ पे साइंस तो इकोनॉमिक्स बेसिकली क्या है इट इज द साइंस ऑफ मैनेजिंग एंड एक्वायरिंग द वेल्थ दैट इज मनी लाना और उसको मैनेज करना इसके बारे में हम कहाँ पर स्टडी करते हैं वी स्टडी ऑल दिस टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स एसेंशियली अर्थशास्त्र इज द ट्रीटीज ऑन पोलिटिकल इकोनॉमी इन इट्स ब्रॉडर ब्रॉडेस्ट सेंस क्या दिया हुआ है यहाँ पे दैट कौतल्या ने अपना डेफिनेशन दिया था अबाउट इकोनॉमिक्स He told economics एज अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है science of managing the wealth उन्होंने क्या बताया था that किसी भी economy के लिए या किसी भी country के लिए अपनी wealth को manage करना wealth को acquire करना बहुत ज़रूरी है because वेल्थ रहेगा उसको अगर हम प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो ही हम कंट्री का डेवलपमेंट कर सकते हैं की पॉइंट्स बेस्ड ऑन कौतल्याज व्यू नाउ लेट सी कि कौतल्या ने इकोनॉमिक्स के बारे में उनके व्यूज़ क्या क्या रखे हैं द फर्स्ट इज़ क्रूशियल रोल ऑफ द स्टेट और द गवर्मेंट कौतल्या दैट इज़ चाणक्य ने क्या बोला है कि किसी भी इकोनॉमी के अंदर किसी भी कंट्री के अंदर गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन मैनेजिंग द वेल्थ ऑफ द नेशन कंट्री का वेल्थ मैनेज करने में कंट्री का वेल्थ एक्वायर करने में गवर्नमेंट बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ एज द मीन्स टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ़ द स्टेट वॉट इज सेड इन इज डेफिनेशन दैट इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि हम लोग वेल्थ एक्वायर करें वेल्थ इंक्रीज़ करें क्योंकि अगर वेल्थ इंक्रीज होगा तो ही कंट्री का या स्टेट का वेलफेयर होगा वॉट इज सेड इन इज डेफिनेशन दैट वी शुड फोकस ऑन क्रिएशन ऑफ वेल्थ क्योंकि जितना ज़्यादा मनी क्रिएट होगा जितना ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा उतना ही ज़्यादा हम स्टेट का वेलफेयर कर सकते हैं मतलब अगर हम चाहते हैं अगर गवर्नमेंट चाहती है दैट लोग पीसफुली रहे लोग हैप्पीली रहे उनके पास सारे मीन्स ऑफ लिविंग हो जितनी भी चीज़ें हेल्थ एजुकेशन फूड क्लोथिंग शेल्टर जो कुछ भी उनको चाहिए वो उनके पास हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ क्रिएट करना पड़ेगा नीड फॉर एफिशियंट एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फॉर गुड गवर्नेंस वॉट इज सेड दैट हमारा जो मैनेजमेंट होता है वो बेस्ट होना चाहिए मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए अगर मैनेजमेंट एफिशिएंट है तो ही लेवल ऑफ गवर्नेंस इम्प्रूव होगा एंड तो ही स्टेट का वेलफेयर होगा अगर एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज़ वेल्थ को हम ठीक तरह से मैनेज नहीं कर पाते तो कंट्री का या स्टेट का डेवलपमेंट नहीं होगा कंप्लीशन ऑफ पॉलिटिकल आइडियाज इनटू अर्थशास्त्र व्हाट इज सेड दैट इवन जो पॉलिटिक्स है वो भी किससे एसोसिएटेड है वेल्थ से एसोसिएटेड है वो भी किससे एसोसिएटेड है इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द इकोनॉमिक्स दैट इज़ पॉलिटिकल साइंस हमने जो सिविक्स पढ़ा था टेंथ स्टैंडर्ड तक वो और इकोनॉमिक्स ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ में रिलेटेड हैं ओके सो दिस वॉज दी चाणक्यज व्यू ऑन इकोनॉमिक्स वॉट ही सेड के इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र मतलब साइंस ऑफ मैनेजिंग द वेल्थ ओके सिस्टमैटिक नॉलेज के हमें कैसे अपने मनी को मैनेज करना चाहिए उसका मतलब क्या होता है इकोनॉमिक्स ही टोल्ड के गवर्नमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमें वेल्थ ज़्यादा क्रिएट करना चाहिए क्योंकि ज़्यादा वेल्थ क्रिएट होगा तो ही स्टेट का वेलफेयर होगा नेक्स्ट थर्ड पॉइंट उनका क्या था दैट अगर एडमिनिस्ट्रेशन uh, प्रॉपर है तो ही लेवल ऑफ गवर्नेंस भी इम्प्रूव होगा एंड ही सेड पॉलिटिकल आइडियाज़ जो है वो इकोनॉमिक्स से कनेक्टेड है सो दिस वॉज दिस वेयर द कौतलियाज व्यू ऐसे और भी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट हैं जिनके डेफिनेशन हमें दिए हैं हम सिर्फ तीन या चार लोगों के डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं ये हमने कौतल्या के व्यू पढ़े लेट स्टार्ट विथ द डेफिनेशन सबसे पहला डेफिनेशन किसका है एडम स्मिथ अच्छा अब हर इकोनॉमिस्ट ने इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन अलग अलग व्यू पॉइंट से दिया है एडम स्मिथ उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया है वेल्थ से किसके रिलेटेड वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन है लेट्स सी उन्होंने क्या कहा है अपने डेफिनेशन में क्लासिकल इकोनॉमिस्ट एडम स्मिथ आल्सो रिगार्डेड एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स हैज़ गिवन द वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स क्या दिया हुआ है यहाँ पे कि एडम स्मिथ ही इज़ ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स उन्होंने इकोनॉमिक्स uh, का डेफिनेशन किसके रिलेटेड दिया है वेल्थ के रिलेटेड सी हमने यहाँ पे uh, लिमिटेड बॉन्ड्स के बारे में पढ़ा था तो ये डेफिनेशन स्केयरसिटी के रिलेटेड हुआ ये डेफिनेशन वेल्थ के रिलेटेड है डिटेल में हम आगे देखेंगे जस्ट लुक अबाउट दी एडम स्मिथ एडम स्मिथ का डेफिनेशन किससे रिलेटेड है इट इज दी वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन आउट ऑफ हिज मेनी लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक्स ही इज फेमस फॉर इज सेवेंटीन पीस ऑफ वर्क एंड इंक्वायरी इन टू द नेचर एंड कॉज ऑफ़ वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ डिफाइन इकोनॉमिक्स एज अ साइंस ऑफ वेल्थ नाव क्या बताया हुआ है यहाँ पे कि एडम स्मिथ ने बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशनस दिए हैं इकोनॉमिक्स के फील्ड में बट उनका जो डेफिनेशन है कौन सा डेफिनेशन दैट इकोनॉमिक्स इज़ अ साइंस ऑफ वेल्थ इज इज़ द डेफिनेशन जो बहुत फेमस है उनके और भी बहुत सारे वर्क हैं इन इकोनॉमिक्स बट द मोस्ट फेमस वन इज़ जो डेफिनेशन उन्होंने दिया है उनके अकॉर्डिंग किसके अकॉर्डिंग एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है इकोनॉमिक्स इज द साइंस ऑफ वेल्थ मतलब इन शॉर्ट वी कैन से इकोनॉमिक्स इज़ दिस्टमैटिक स्टडी अबाउट द वेल्थ अगर हम मनी रिसोर्सेज इन सब चीज़ों का सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे इकोनॉमिक्स कहेंगे लेट्स सी के वो अपने डेफिनेशन में एक्जैक्टली exactly हमें क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहते थे द फर्स्ट वन इज़ लेजर फेयर दैट इज़ नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट। एडम स्मिथ ने क्या बोला है दैट इकोनॉमी में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए मतलब गवर्नमेंट के जो बेसिक फंक्शंस हैं गवर्नमेंट सिर्फ वही परफॉर्म करे बाकी किसी भी चीज़ में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को खाली किस पर ध्यान देना चाहिए डिफेंस पर और कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर बाकी किसी भी चीज़ पर गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए ये किसके अकॉर्डिंग है एडम एडम स्मिथ के अकॉर्डिंग कैपिटल एंड वेल्थ एक्मोलेशन एडम स्मिथ ने क्या बोला है दैट इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट एक्यूमुलेटिंग द वेल्थ करेक्ट उन्होंने क्या बताया है दो पॉइंट्स अब तक हमने पढ़े पहला देर शुड बी नो इंटरफियरेंस ऑन फ्रॉम द गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस कंट्री के अंदर इकोनॉमी के अंदर नहीं होना चाहिए गवर्नमेंट को सिर्फ उनके जो वर्क्स है दैट इज़ कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना डिफेंस पे ध्यान देना इतना ही वर्क करना चाहिए इकोनॉमी को करेक्ट करने पर गवर्नमेंट को फोकस नहीं करना चाहिए सेकंड अकॉर्डिंग टू एडम्स स्मिथ व्हाट इज इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज वेल्थ कैपिटल एंड वेल्थ एक्यूमुलेशन दैट इज रिसोर्स इकट्ठे करना वेल्थ इकट्ठा करना इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक्स नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर एंड लास्ट क्या दिया हुआ है डिवीजन ऑफ लेबर एज एन एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ थ्योरी उनके डेफिनेशन में तीन चार पॉइंट्स है पहला नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस दूसरा इकोनॉमिक्स इज़ रिलेटेड टू द वेल्थ एक्मिलेशन नेक्स्टली क्या बोला हुआ है नेचर्स लॉ इन इकोनॉमिक अफेयर दैट इज नेचर्स लॉ यानी लिमिटेड रिसोर्सेस है एंड अनलिमिटेड वॉन्ट्स है ये सेम चीज़ कहाँ पर अप्लाई होती है ये सेम चीज़ इकोनॉमिक्स में भी अप्लाई होती है जो चीज़ें वर्ल्ड के लिए जो चीज़ जो नेचर का लॉ है दैट ऑल्सो एम्प्लाइज इन दी इकोनॉमिक्स एंड लास्टली उन्होंने क्या दिया हुआ है दैट वर्क शुड बी डिवाइडेड अगर हमें कंट्री का ग्रोथ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा द वर्क शुड बी डिवाइडेड डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब क्या होता है डिवीज़न ऑफ वर्क अगर वर्क डिवाइडेड है तो हम कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में सोच सकते हैं सो दिस वॉज अबाउट दी एडम स्मिथ ठीक है अगला हमारा डेफिनेशन आता है ऑफ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अगला डेफिनेशन किसका है हमारा प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल उनका डेफिनेशन किसके रिलेटेड है वेलफेयर एडम स्मिथ का डेफिनेशन किसके रिलेटेड था वेल्थ के रिलेटेड अल्फ्रेड मार्शल का डेफिनेशन किसके रिलेटेड है वेलफेयर के रिलेटेड Neoclassical economist Professor Alfred Marshall has given the welfare oriented definition of economics in his book entitled Principles of Economics, which was published in 19, uh, 1890. His definition states Economics is the study of mankind in the ordinary business of life. इट एग्जामिन दैट पार्ट ऑफ इंडिविजुअल एंड सोशल एक्शन विच इज़ क्लोजली कनेक्टेड विद द अटेंडमेंट एंड यूज ऑफ मटीरियल रिक्वेस्टाइट्स ऑफ वेल बींग नाउ अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है उन्होंने बताया दैट इकोनॉमिक्स मतलब क्या होता है ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी इन ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ दैट इज रेगुलर लाइफ में डे टू डे लाइफ में जो ह्यूमन बिहेवियर है उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स यहाँ पे उनके पॉइंट्स दिए हुए पहला स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन ऑर्डिनरी मैन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ लाइफ दैट इज़ नॉर्मल पर्सन रेगुलर लाइफ में जो भी बिहेव uh, करता है जैसे भी बिहेव करता है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स इज़ अ बिहेवियरल साइंस दैट इज इकोनॉमिक्स में हम किसके बारे में पढ़ते हैं पर्सन के बिहेवियर के बारे में पढ़ते हैं तो इन शॉर्ट इकोनॉमिक्स क्या हो गया इट इज़ रिलेटेड टू बिहेवियर तो जब हम सिस्टमैटिक बिहेवियर का स्टडी करते हैं तो वो किसका पार्ट हो गया इकोनॉमिक्स का स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर मटीरियल मतलब वेल्थ मटीरियल मतलब मनी तो so, कैसे मनी से लोगों का वेलफेयर होता है उसका स्टडी भी हम कहाँ पर करेंगे वी विल डू इट इन इकोनॉमिक्स ये सब किसके रिलेटेड है किसके अकॉर्डिंग है अल्फ्रेड मार्शल के अकॉर्डिंग एंड लास्टली क्या दिया है इकोनॉमिक्स इज नॉट सिंपली द स्टडी ऑफ वेल्थ एडम स्मिथ ने कहा था ना कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ तो अल्फ्रेड मार्शल ने क्या बताया है दैट सिर्फ वेल्थ का स्टडी इकोनॉमिक्स नहीं है वेल्थ के साथ साथ वेलफेयर भी इकोनॉमिक्स में इंक्लूडेड है सो अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल वेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी मैन ऑर्डिनरी मैन का जो बिहेवियर है उसके स्टडी को हम क्या कहते हैं इकोनॉमिक्स तो यहाँ पे हमने दो लोगों के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स के डेफिनेशन के बारे में स्टडी किया है अब तक क्या क्या देखा है अब तक हमने वेरी फर्स्ट थिंग इकोनॉमिक्स इज़ द पार्ट ऑफ सोशल साइंस फिर हमने कौतल्या दैट इज़ चाणक्य के व्यू देखे ही टोल्ड समथिंग अबाउट दी अर्थशास्त्र उनके अकॉर्डिंग इकोनॉमिक्स क्या है मैनेजमेंट ऑफ़ वेल्थ साइंस ऑफ वेल्थ फिर उसके बाद हमने दो लोगों के डेफिनेशंस पढ़े द फर्स्ट वन वाज एडम स्मिथ एडम स्मिथ का डेफिनेशन किसके रिलेटेड था वेल्थ के ओरिएंटेड था देन उसके बाद हमने सेकेंड डेफिनेशन पढ़ा इट वाज गिवन बाय अल्फ्रेड मार्शल एंड अल्फ्रेड मार्शल का जो डेफिनेशन है वो किससे एसोसिएटेड है इट इज़ एसोसिएटेड विद दी वेलफेयर ओके सो अगला डेफिनेशन एंड इकोनॉमिक्स कितने टाइप का है वो सब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे फॉर टुडे थैंक यू स्टूडेंट्स